नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न पूर्ण व्याख्या सहित शामिल किए गए हैं और उन प्रश्न से संबंधित हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप गौर स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि देश का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा। हमारे ऑप्शन है जबलपुर, शिवपुरी, मंडला या रीवा। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा कहां पर राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। इस पर जनसंपर्क विभाग का ट्वीट है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर हवाई अड्डे के 446 करोड़ से निर्मित होने वाले टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा श्री अमित शाह द्वारा 3143 गांवों की 4300 करोड़ की लागत की नल जल परियोजनाओं का लोकार्पण भी इनके द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया गया और इसकी लागत आएगी करीब 446 करोड़ रुपए। और जब ये एयरपोर्ट टर्मिनल पूरा हो जाएगा तब ग्वालियर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो है टर्मिनल भवन कंप्लीट होगा, इससे जो अभी वर्तमान में टर्मिनल भवन है ग्वालियर का, इससे है 6 गुना हो जाएगा। इसके अलावा जब व्यस्ततम समय रहेगा तब यहाँ जो प्रबंधन क्षमता है यात्रियों की, ये 200 से बढ़कर 1400 हो जाएगी। अभी जो टर्मिनल भवन है ये 3500 वर्ग मीटर में है, लेकिन नया बन जाने के बाद ये 20,000 वर्ग मीटर में हो जाएगा और विमानों की पार्किंग की क्षमता भी 3 से बढ़कर 13 हो जाएगी। एयरपोर्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। तो देश में क्षेत्रफल के हिसाब से प्रस्तावित सबसे बड़ा एयरपोर्ट देवास में बनेगा। वो भोपाल स्थित जो राजा भोज एयरपोर्ट है, इस पर सुरक्षा के लिहाज से 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। वो यह प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर यह सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और राजा भोज एयरपोर्ट को देश का पहला ईट राइट कैंपस भी चुना गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या है 5। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर में है। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में है और इसी के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास ग्वालियर में श्री अमित शाह द्वारा किया गया है। राजा छत्रसाल एयरपोर्ट खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ है? ये छतरपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर में स्थित है, इसे ही डुमना एयरपोर्ट भी कहते हैं। के अलावा मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में रीवा शहर से भोपाल और इंदौर के लिए फ्लाइट भी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में पहली वायु परिवहन सेवा 1948 में इंदौर से ग्वालियर के बीच में प्रारंभ हुई थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 33 हवाई पट्टी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में टेली काउंसलिंग केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त तो दोनों यानी कि इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह पर। इस पर नई दुनिया का आर्टिकल है कि ग्वालियर और इंदौर में बनेगा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर टेली काउंसलिंग केंद्र। इंदौर और ग्वालियर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर टेली काउंसलिंग केंद्र बनाया जाएगा और यह इस प्रकार के मध्य प्रदेश के पहले केंद्र होंगे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य आबादी में 14% मानसिक रोगी हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इसे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है निमहांस, के द्वारा बेंगलुरु में टेली परामर्श केंद्र संचालित किया जा रहा है। अब यह मध्य प्रदेश में भी इसका केंद्र शुरू होगा और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल में स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर, श्री शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ने ही। आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का इस पर ट्वीट भी है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने
प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े वेबसाइट का शुभारंभ किया है। वो 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में किया जाएगा और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगला प्रश्न है, फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। आप देख सकते हैं अशोक मिश्रा, अमिताभ भट्टाचार्य और विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर कुमार से सम्मानित किया गया है। इस पर इंडिया टीवी का आर्टिकल भी है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। किशोर कुमार सम्मान 2019 के लिए पटकथा लेखक अशोक मिश्रा को सम्मानित किया गया है और किशोर कुमार सम्मान 2020 के लिए गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। के अलावा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, जिन्हें किशोर कुमार सम्मान 2021 दिया गया है, इनकी जो निर्देशित फिल्म थी द कश्मीर फाइल, इसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया था। वो जो महान गायक है किशोर कुमार, इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडुआ में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्री अमित शाह ने। देख सकते हैं इसमें माई जीओवी का ट्वीट भी है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ ये किया गया है श्री अमित शाह जी के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल स्थित लाल परेड मैदान से मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। वो भोपाल स्थित जो गांधी मेडिकल कॉलेज है, इसमें MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। वैसे इस प्रश्न के बारे में मैं आपको पिछले 3 दिन से ही बताता आ रहा हूं। अब हम 16 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, देश में 112 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और इनमें सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनेंगे? तो ये बनेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 21 कॉलेज बनाए जाएंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी संस्थान की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। अंतरराष्ट्रीय रामलीला उत्सव का शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां कब से होगी? तो इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चर्चित मंदार क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा हिंदी प्रकोष्ठ का वार रूम, जिसने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है इसे तैयार किया है। हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश में निम्न में से किस अनाज की एक किस्म विकसित की है? किस्म विकसित की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मक्का की। अब हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खंडुआ में एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई यानी कि तितली पार्क रायसेन में स्थित है, दूसरा तितली पार्क ये इंदौर में बनाया जा रहा है और जमुना देवी तितली पार्क ये धार जिले में के मांडू में बनाया जाएगा। इसके अलावा जो छिंदवाड़ा का तामिया है, इसमें भी एक तितली पार्क प्रस्तावित है। वैसे इस पार्क के बारे में कौन सा पार्क कहां पर है, इसके बारे में मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।